हम फार्मर की इनकम डबल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम एनिमल हस्बेंड्री पर सोचेंगे ही नहीं, हम पोल्ट्री फार्म पर सोचेंगे नहीं, हम फिशरीज पर नहीं सोचेंगे, हम ऑर्नामेंटल फिशिंग पर नहीं सोचेंगे, तो हम ये टोटल जो एक डिजाइन बनानी है वो नहीं बना पाएंगे। हमारे लिए आवश्यक है वैल्यू एडिशन कैसे हो, हम दुनिया के मार्केट में हमारा कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो टारगेटेड मार्केट को पकड़ सकता है। पूरा गल्फ कंट्रीज, पूरी गल्फ कंट्रीज, वहां पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑयल है, पानी नहीं है। ऑयल कितना ही क्यों ना हो, जिंदगी के लिए पानी जरूरी है, और इसलिए उनके लिए एग्रो प्रोडक्ट इंपोर्ट करने बिना कोई चारा नहीं है। क्या उनकी रिक्वायरमेंट का सर्वे करके हम हमारे किसान को उस एग्रो प्रोडक्ट के लिए जाए, और हमारे एग्रो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए लोग या तो एग्रो वैल्यूएशन के साथ जुड़े हुए लोग मिल करके उस प्रोडक्ट को वहां पर पहुंचाए, उस रूप में बना सकते हैं क्या? ये अगर हम चेंज करें, गल्फ कंट्रीज को हम एक प्रकार से उसकी जो एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है उसका एश्योरेंस दे दे, वो हमें हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का एश्योरेंस दे दे, एक प्रकार से विन विन सिचुएशन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं।